ये देखो कैसे गिरी हुई है बीच रोड में, ब्लैक आइस बनी हुई है, वो लैंडस्लाइड हो रहा है वहाँ पे। ये है स्नो टनल, वो रही वहाँ से हमने एग्जिट किया एंड वी आर गोइंग दिस वे टू द सिसो। जय सिया राम दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैं सोलन से मनाली का 250 किलोमीटर का सफर 8 घंटों में कंप्लीट किया और उस सफर में रास्ते इतने अलग अलग मिले जिससे बाइक पे मनाली जाने का सपना तो पूरा हुआ ही, साथ ही इतना एडवेंचर पहले कभी नहीं किया था। तो आज मैं मनाली से और आगे अटल टनल से होते हुए सिसो विलेज तक जाऊंगा और मैंने कभी पहाड़ों की बर्फ को हाथ से छू कर महसूस नहीं किया। आज मौका मिला है बर्फ को देखने और उसे टच करने का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और आज मैं हूँ कहाँ, मनाली, सबकी प्यारी मनाली। तो मनाली कल रात को मैं आया था और मतलब 12 घंटे की राइड ऑलमोस्ट थी, मतलब इतना एग्जॉस्टिंग था, लेकिन आने के बाद फ़ायदा ये हुआ कि काफ़ी सही हुआ। तो अभी हमने ये रूम में रुके हुए हैं सोलन वैली में, मैं आपको अपना रूम टूर कराता हूँ, तब तक देखिए ये है बाथरूम जो कि काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी मतलब बड़ा है और ये है पूरा रूम। इधर से आप देखेंगे तो रूम का उनका स्पेस काफ़ी अच्छा है और थोड़ा कॉन्टेस्ट टाइप है तो वो भी फील अच्छी दे रहा है और -5 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो भैया पूरा उन्होंने दिया हुआ है रूम लेने के लिए, तो काफ़ी बजट फ्रेंडली है और अच्छा भी। और सबसे अच्छी चीज़ दिस इज द ब्यूटी और यहाँ से सामने से दिखाई देता है द माइटी हिमालय जो कि पूरा स्नो से कवर है। और अब आपको दिखाते हैं बालकनी। ये यहाँ से 360 डिग्री व्यू। तो दोस्तों ये आज हमारा पहला मील, ब्रेकफास्ट में हम लोग ऑमलेट जस्ट ही लेंगे, ज़्यादा नहीं खाने वाले क्योंकि आगे भी हमें जाना है, वहाँ कुछ खाएंगे। तो आज का ये है हमारा पहला मील और इसको खा के निकल जाएंगे अपनी नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। लाइट ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी होके मैं निकल गया अपने बर्फ के पहाड़ों का सपना लेके सिसो विलेज के लिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका अगेन मेरे चैनल पे और आज हैं हम मनाली में। तो दोस्तों आज का कुछ सीन ऐसा होने वाला है कि आज हम जा रहे हैं सिसो विलेज, जो कि हम लास्ट टाइम सोलांग वैली आए थे तो हमने वहाँ पे पुलिस ऑफिसर से पूछ लिया था कि क्या प्राइवेट व्हीकल अटल टनल से अलाउ है सिसो तक जाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि कुछ दिनों से अलाउ कर दिया गया है। तो अभी हम जा रहे हैं अपना लक देखने कि हमें जाने देते हैं या नहीं, तो जाके देखते हैं क्या सीन रहता है एंड उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है आगे। तो देखो दोस्तों पहाड़, स्नो से ढके हुए पहाड़, कितना अच्छा लग रहा है, ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग आ रही है। तो पहले तो मैं इसी जगह पर राइड कर चुका हूँ लेकिन आज ऐसा है कि मैं थोड़ा स्नो पे, अगर लक सही हुआ तो हमें स्नो पे राइड करने का मौका मिलेगा क्योंकि सारे एक्सपीरियंस तो कर ही चुका हूँ, यहाँ तक आए हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर हमें परमिशन मिल जाती है तो वी विल गो थ्रू एंड अदरवाइज बाकी तो ऊपर वाला ही मालिक है कि हमारे जीवन में आगे क्या होगा। तो ये देखो सोलांग वैली 5 किलोमीटर, अटल टनल 17 किलोमीटर। सो मोस्ट ऑफ पीपल 80% लोग तो सोलांग वैली के लिए ही आए हैं, कुछ लोग होंगे जो अटल टनल के लिए जाएंगे क्योंकि एक लैंडमार्क है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देख के इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, ये सब हमेशा मूवीज में या फिर इंस्टा रील्स में ही देखा था, सोचा नहीं था एक दिन अपनी बाइक से ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मुझे मिलेगा। ये देखो भाई स्नो बर्फ, हमें तो पता ही नहीं बर्फ कब आ गई, ऐसी आ रही है पता ही नहीं चला, उससे लगा कुछ आ रही है। ये रही बर्फ, ब्लैक आइस है, आगे हम जंप शूट लेंगे। कितना आगे है यहाँ से?
15 किलोमीटर। अभी 15 किलोमीटर आगे? हाँ, जो अटल टनल ना। नहीं, अटल टनल नहीं, सोलांग वैली। सोलांग वैली सामने वो है ना वैली। हाँ, इससे जो केबल का रहे। अच्छा, यहाँ से कितना दूर आगे? हाँ, से तो 1 किलोमीटर। गाड़ी पार्क हो जाती है वहाँ? अच्छा, कितने का क्या रेंट है? 250 का। दो थोड़ा कम कर लो ना दोनों लोगों का। चलो दो दो तो दोस्तों यहाँ ही ले रहे हैं हम लोग ड्रेस और ये शूज, क्योंकि आगे ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ आ चुके हैं एंड। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना हम लोग, वैसे वैसे पहाड़ और पास आ रहे हैं, और जो व्यू आ रहा है ना, मतलब सीरियसली मैं फर्स्ट टाइम हिमालय को इतना पास से देख रहा हूँ। और अब जो व्यूज दिख रहे हैं दैट इज अल्टीमेट। भाइयों और बहनों, सड़कों पे आइस दिखना शुरू हो गई है। ये देखिए सारी आइस सड़कों पे पड़ी हुई है पैचेस में। और ये माइथी माउंटेन्स कितने अच्छे लग रहे हैं। वो देखो दोस्तों, स्नो ही स्नो। चलो भाई, एंट्री तो मिल गई। यस, तो देखो दोस्तों, हम जा रहे हैं अटल टनल के लिए और अभी कुछ किलोमीटर और है। अटल टनल तक जाने का हर बाइकर का एक सपना होता है, और आज ये सपना मेरा पूरा हो रहा था। तो दोस्तों ये है स्नो पॉइंट ब्रो। ओए होए, ओए ओए पहाड़ी। तो दोस्तों ये देखो पहाड़ अब कितना पास दिखने लगे हैं, रियली ट्रेमेंडस। ये यहाँ पे ये एक बाईपास आया है जो कि हमें आगे ले जाएगा रोहतांग की तरफ, अटल टनल की तरफ से। और क्या ही व्यू बोलूँ यार, मतलब ड्रीम कम ट्रू। वाह, पूरी जन्नत। लोगों क्या जन्नत में आया हूँ, सब कुछ सफेद सफेद। वाओ, अल्टीमेट, इसे कहते हैं नज़ारे। ओ माय गॉड, अभी तक की सबसे खूबसूरत राइड। वाओ ब्रो, इन सर्विस इन नेशन। और ये पूरी जा रहे हैं हम अटल टनल के लिए। तो दोस्तों ये है जन्नत, और जन्नत में दर्शन हमारे हो गए हैं पूरे। चलो फिर निकलो। हाँ, तो दोस्तों हम अटल जा रहे हैं अटल टनल से। हाँ वहीं तक जाना ही है। नहीं, हाँ रुकना, बीच बीच में रुकना नहीं है, ठीक है। अटल टनल से जाते हुए जो गूज़बम्प्स आए वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो ये है दोस्तों अटल टनल, और हम जा रहे हैं अटल टनल के अंदर, और अब आएगा मजा।
असली राइड यहीं से शुरू होती है। और टनल पार करने के बाद ऐसा लगा मानो आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। चारों तरफ सफेद सफेद बर्फ और बड़े बड़े पहाड़, दिन को देख के मजा ही आ गया। अटल टनल पार कर लिया है और भाई साहब क्या ठंड लगी अंदर, गॉड भाई साहब दिमाग के परखच्चे उड़ गए। तो दोस्तों ये रहा स्नो हियर, दिस इज स्नो, और थाना केलोंग की सीमा है यहाँ से, एंड दिस इज द ब्यूटी। सोचा यहाँ तक आए हैं तो पहाड़ी मोमोज का आनंद क्यों ना उठाया जाए। और उसी रास्ते से होके दो भाई लोग ध्रुव और आयुष सिसु विलेज जा रहे थे। उसके बाद साथ में हम लोगों ने ये सफर पूरा किया और बहुत इंजॉय किया। सो गाइस ये है स्नो एंड ये है पूरा बर्फ में ढका हुआ, एंड द रिवर इज गोइंग क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रहा है, एंड द व्यूज आर फैबुलस एंड द स्काई इज सो लिट, लिटरली आना चाहिए। एंड वी वर लकी दैट वी केम टू दिस प्लेस बिकॉज ये एक अलग ही वाइब, अटल टनल वो रही, वहाँ से हमने एग्जिट किया एंड वी आर गोइंग दिस वे टू द सिसो, एंड ये ब्रिज है जो सेपरेट करता है, तो दिस इज लुकिंग सो अमेजिंग। वाह यहाँ पे वाटरफॉल बहता हुआ, वाह कितना मेजमराइजिंग है, बहुत अच्छा वाटरफॉल है, मज़ा आ गया यार इस ब्यूटी के अंदर, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, इतना खूबसूरत है सीरियसली यार, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो फ्रेंड्स जा रहे हैं इस रास्ते में और ये देखो अब जो अल्टीमेट व्यूज़ मिलेंगे दैट विल बी फिनोमिनल, और यही चीज़ करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। तो और बगल में आप देखो ICI चल रही है, तो जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो अल्टीमेट होने वाला है बिकॉज अब ज़िंदगी का मसली मज़ा लेने वाले हैं और आइस पे शायद हमें बाइकिंग करने का मौका मिलेगा। तो सीरियसली इट्स ग्रेट कि हम लोग यहाँ पे आए और मज़ा आ रहा है। वो देखो आगे क्या डेंजरस ट्रेल है और असली मज़ा आने वाला है। हर काम देश के नाम, हा हा अब ये ठंडक महसूस हो रही है। ओ माय गॉड वाह जस्ट लुक द ब्यूटी, अमेजिंग। हाँ वही तो, मतलब ये नीचे से ये चेनाब रिवर है और ये स्नो से ढकी हुई है, चेनाब है फ्रोजन है, आधी तो फ्रोजन ही है और आधी मेल्ट, वो चिकनी भी है, वो मेल्ट हो रही है ना, थोड़ा थोड़ा धूप से आएगी तो मेल्ट हो रही है। कितना अच्छा लग रहा है, दूर से जितना अच्छा लगता है पास जाके उतना डेंजरस लगता है। और सन देखो ऊपर से कैसे जो बन रहे ना पैटर्न्स, ब्यूटीफुल। वो लैंडस्लाइड हो रहा है वहाँ पे, तो दोस्तों वहाँ से लैंडस्लाइड हो रहा है पत्थरों का स्नो का, एंड इट इज़ रियली विथ स्लाइड के बाद ये क्लियर हो चुका है और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे इस आइस होगी पक्का, तो उस आइस को हमें उसके ऊपर से राइड करना है, आई होप ज़्यादा आइस ना हो। वो देखो आइस पड़ी हुई है, यही आइस जो है, यही जो स्नो है ऊपर से गिरी है, शायद उन्होंने साफ़ कर दिया काफ़ी हद तक, तो होपफुली सब कुछ बढ़िया हो। ये देखो कैसे गिरी हुई है बीच रोड में, ब्लैक आइस बनी हुई है। ओ वाओ यही तो एक्सपीरियंस करना था, रॉनेस ऑफ द ब्यूटी। दोस्तों ये देखो डीप व्यू, क्या ही मेजमराइजिंग व्यू है, और मैं इतना खुश हूँ ना कि इस ट्रिप से मैं ये लेके जा रहा हूँ। आई विल बी ग्लैड एंड सो फॉर्चुनेट
कि यहाँ आने का मौका मिला। वाओ वाओ वाओ, तो हम आ चुके हैं लाहौल। लाहौल आ गए, लाहौल लोहाल। चलो 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 चलो, लाहौल की खूबसूरती। आह माइटी माउंटेन्स, लाइक क्राइंग मैन, ये मैंने क्या देख लिया यार, मतलब और कितना खूबसूरत हो सकती है कोई जगह। ओह माय गॉड, वाओ। दोस्तों मेरे गोप्रो में ना मेमोरी कमी पड़ रही है, वरना मैं इन सब की ना पूरी वीडियो बनाता रहता, और मेरा दिल नहीं भर रहा है इन सबसे, मतलब इतने खूबसूरत हैं यार, क्या बताऊँ, माइंड ब्लोइंग है, इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, सीरियसली मैन क्या जर्नी है। सो गाइस, ये है वो ब्यूटी, हम ये ग्राम पंचायत सिसु तक यहाँ तक आ चुके हैं, एंड नाउ वी हैव टू गो देयर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, एंड ये जो स्नो है पूरी यहाँ से एंड यहाँ तक। तो दोस्तों सिसु के दर्शन हो चुके हैं, और ये हैं सिसु के दर्शन, और क्या मस्त मज़ा आया यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता, मतलब यार मैं इतना एक्साइटेड लाइफ में बहुत ही कम होता हूँ, और यहाँ आने के बाद जो मज़ा आया वह कहीं नहीं आ सकता। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ टाइम है, वंस इन अ लाइफ टाइम। वाह, लुक एट द व्यू गाइस, जन्नत है जन्नत। ये देखिए बर्फ कैसे निकाल रहे हैं अपने घर से, इतनी बर्फ जमा हो गई है कि लोगों को बर्फ निकालनी पड़ रही है। ये जी 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 जी, तो दोस्तों हम पहुंच गए अपने होटल फाइनली, तो यहाँ लगाएंगे हम अपनी बाइक। बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाइक राइड का जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। आगे आप हम ऐसे